अज संत बाबा अवतार सिंह जी की चौंतीवीं बरसी के मौके उन्होंने याद करने उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने जिन्हें भी तुम कदम चल के आए हो सिर मथे मावं भैं नौजवान बुजुर्ग बच्चे सब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करो वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा धन्यवादी हाँ कि गर्मी के बावजूद तुसी इन्नी भारी गिणती जिथे आए हो स्टेज के उत्ते बहुत ही गुणी ज्ञानी लोग बैठे हैं धार्मिक संस्थावां दे संस्थापक ने समाजिक संस्थावां दे संस्थापक ने वातावरण प्रेमी ने कुदरत नूं प्यार करन वाले लोग ने बहुत सारे मेरे तो सियाने लोग बैठे ने मैं उन्होंने सारे दे चरणों च सिर झुकाउंदा होया उन्होंने कुछ आशीर्वाद लैना जिस तरह संत बाबा सीचेवाल जी ने कहा कुर्सी कोई भी माड़ी नहीं होंदी उत्ते बैठने वाला बंदा माड़ा चंगा हो जाता है जे एक डीसी वधिया आ जाए पूरे जिले की काया पलट हो जाती है जे एक एमएलए चंगा आ जाए पूरे हल्के की काया पलट हो जाती है जे एक एमपी वधिया हो जाए नौ विधानसभा हल्कों की काया पलट हो जाती है तो जे कोई मुख्यमंत्री वधिया आ जाए सूबे की काया पलट हो सकती है तो जे प्रधानमंत्री वधिया हो तो देश की काया पलट हो सकती है सो कुर्सियां उही ने पर बैठने वाले बंदे उन्होंने नीयतां की ने उन्होंने नीयत की है ये तो बहुत निर्भर करता है हरे रंग का पेन उही है फाइलां उही ने पर साइन करने वाले बदल जाते हैं जे किसी नूं ये एहसास हो गए साइन करने तो पहला कि पेन मेरा नहीं है ये पेन लोगों का जे मैं गलत चलाऊंगा इस पेन नूं अपने चेले चपटियां दे हक च चलाऊंगा अपने रिश्तेदारां दे हक च चलाऊंगा तो यह पेन मेरे को ज़्यादा देर नहीं रहना यह पेन उवें जिवें लोग मैथों खो के किसी होर नूं दे देंगे जिवें पिछलियां तों खो के मैनूं दित्ता देखो बैंकों च खाते खिला के बहुत बंदे तुर जाते हैं लोग उन्होंने याद नहीं करते बैंकों च खाते खिला के बहुत बंदे तुर जाते लोग उन्होंने याद नहीं करते लोग उन्होंने याद रखते हैं जिहड़े लोगों के दिलों च खाते खिलाते हैं अज आपां हर साल दिवाली वेले जां नवे साल वेले श्री गुरु नानक साहब की श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की चारे साहबजादियों की शहीद अम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरी करतार सिंह सराभे होरों दी फोटो नवीं ते कैलेंडर ले आउंदे आ वो कोई कानून तो नहीं बनाया होया किसी ने कि लिआउणा पैणा आपां आप लेके आउंदे आ क्योंकि ये वो शख्सियतां ने जिन्होंने परिवार वारे ने जिन्होंने अपने आप नूं वारिया देश तो कौम तो जिन्होंने बैंकों च खाते नहीं खिलाए जिन्होंने सिर्फ दिलों च खाते खिलाए तुसी देख लो औरंगाबाद जाके कदे औरंगजेब की कबर देखो किड्डा वड्डा राज सी उहदा किड्डा हंकारी बंदा सी बाप भी बन लिया भाई बन ले सिर वड़ते भाइयों दे अज उहदी कबर ते दीवा करन वाला कोई है नहीं ते इधर लड़ाई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी लड़ते रहे ते इधर सजदा करते लोग नहीं थकते हर वक्त सजदा करते हैं जिन्होंने परिवार बारे आ फर्क है अज मैनूं इत्थे आ के खुशी बहुत ज्यादा इस गल की भी है कि इत्थे वातावरण प्रेमी लोग रहिंदे ने मैं हैलीकाप्टर दे विचों देख रहा सी जदों ही एरिया शुरू हो गया जदों ही हरियाली शुरू हो गई तो समझ लो
संतों बसीचे वाला एरिया शुरू हो गया, मक्की दरख्त इस एरिए लगे ही नहीं मैंने कि मैं पंजाब के किसी हिस्से किसी जंगल जा रहे हैं, क्योंकि कुदरत बचाई हुई है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पवन हवा, हवा नू गुरु का दर्जा, पानी नू पिता का दर्जा, धरती नू मां का दर्जा गुरु साहब ने दिता। पर अपने आप नाल जरा सोचो गल करो कि अपना ये तिने दर्जे कायम रखे नहीं, साड़ी हवा जहरीली हो गई, साड़ा पानी कैंसर बनन लग गया, साड़िया नहर कैंसर दियां फैक्ट्रियां बन गई, तो साड़ी धरती असी स्प्रे कर करके जहरीली कर ली। असी गुरु नानक साहब नूं तां मंनदे आ पर उन्हां दियां नहीं मंनदे, जो उन्होंने कहा वो नहीं मनते, उन्हां नूं मनांगे किन्ने सर। जिस वेले पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत लिखा होगा गुरु साहब ने, उस वेले तां कोई पानी डूंगा नहीं जा रहा होगा, उस वेले तां कोई हवा दे विच जहर नहीं फैली होनी, वो तो जंगलों के तुरे फिरते रहते जो उदासियां ते सी। पर उन्होंने उस वेले पता सी कि संभाल लो ये चीजा नहीं पछताओगे। सो इस करके असी कोशिश कर रहे हैं सरकार वालों कि झोने तो बदलवीं फसल देिए, बदलवीं फसल दे के थोनू MSP भी देिए, घाटा ना पवे। सच्ची मुची पंजाब का किसान भी नहीं चाहता, वह भी कहता मेरा झोने तो खैड़ा छड़ा दो, पर कहता मैं बीजूंगा की, फिर उन्होंने खरीदूगा कौन। असी मूंगी की शुरुआत की है, अगली बार मक्की, बाजरा, सूरजमुखी, दाल, सरों ये बिजड़गियां। इस बार सीधी बिजाई च लगभग 20 लाख एकड़ पंजाब का जिहड़ा रकबा है वह सीधी बिजाई च आ गया। पानी भी बचूगा, बिजली भी बचूगी, धरती भी बचूगी। 20 लाख एकड़, 1 लाख एकड़ से मूंगी आ गई। साडा देश $120 बिलियन की मूंगी बाहरले मुल्कां चों मंगाउंदा है, कोलंबिया तो, मोजंबीक तो, ते साडी धरती ऐसी फरटाइल उपजाऊ धरती पंजाब की, गुरुआं पीरां की चरण छो प्राप्त धरती, पीरां फकीरां की धरती, 1 साल च 150 मन दाने पैदा कर देंदी है आ धरती, 90 मन चुना 60 मन कणक। आ जिहड़े मुल्कां च असीं जांदे आ ना, अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मां दियां बालियां वेच के प्यो की जमीन वेच के 25 तो 30 मन तो वध नहीं इत्थे धरती जिहड़ी दाने पाउंदी, क्योंकि 6-6 महीने तो बर्फ ही पई रहिंदी है, फिर बर्फ खुरदी है, फिर वो फिर बीजदे आ कुछ बरानी जा। पर मेरी समझ तो बाहर है, मेरी विद्या तो बाहर है, बहुत चिर तक मैं सोचता रहिंदा सी 25 मन वाले मौजा करी जाते हैं, 150 मन वाले भुखे करी जाते। कारण की रह गया, जेड़े असी अगे लाए थे साडे लीडर जिन्हां दे हक च असी भुगत के अगे लाए से, वह साडे हक च नहीं भुगते, वह अपने परिवार के रिश्तेदार के हक च भुगते रहे, उन्होंने साडे बारे कदे नहीं सोचा। डब्बों का कोई कसूर नहीं होंदा, डब्बे तो उधर ही जाते हैं जिधर इंजन लैके जाता है, हुण इंजन ही 90-90 साल पुराने लाइन बैठे से की करिए, फिर हुण शुक्र है दिल्ली वाले ने भी इंजन बदल लिया, तुम भी इंजन बदल लिया, लेटेस्ट मॉडल का इंजन है, पटली से चढ़ूगी गड्डी, मेरे तो यकीन रखो इतें ही रखा कि साढ़े पोतों धियां क्यों बाहरले मुल्क धक्के खाइए जाके असी सऊदी अरब के जेल साढ़े नौजवान फिरते हैं, अर्मीनिया वर्गे गरीब मुल्क साढ़े नौजवान मुंडे जिहड़े ने पंजाब के बकरियां चारते फिरते उ लाशा मंगाउणियां भी काम हो गया, लाश मंगा दो जी साडे मुंडे दी मलेशिया तो, आखिरी बारी मिट्टी देख लीए, क्यों भी जाना क्यों पिया उत्थे सानू, बेरोजगारी कोई होप ही नहीं। ताइयों जाणिया तुसीं देख लो हर तीजी बिल्डिंग ते लिखा होया जां जलंधर चल जाओ, कपूरथले चल जाओ, सुल्तानपुर लोधी, कनेडा जाण लई मिलो, सिंगापुर जाण लई इत्थे संपर्क करो, आस्ट्रेलिया वाले इधर आ जाओ, कितने बिल्डिंग पर लिखा पंजाब बसन नहीं मिलो, नहीं आप काम करा इतने रहेंगे आप अपनी धरती से, अपने मां प्यो के अपने रिश्तेदार के
अपने परिवार के रोटी खावे, कोई बहुते खुश नहीं है कि उधर जाके लोग ठीक है शरीरिक तौर पर चले गए पर मन उन्होंने इच्छी ने मामा के अथरू पूजांगे भैन दुनिया जड़िया रोदिया ने भैन दिज्जत जड़िया रोदिया ने बचावे नौजवानों के मोडे जिन्होंने देश का तरक्की का जिम्मेवारी का भार होना चाहिए सी अज उन्होंने मोडिया से सरकारी लाठीचार्जा के निशान ने बंद करा जो देखो जिहड़ा मर्जी जिथे मर्जी सानू थप्पड़ मार दिंदा कचहरियां जाइए किसी सरकारी दफ्तर जाइए साडे बजुर्गों दी बेइज्जती होंदी ने जाओ पढ़िया सोमवार नूं आज नेता आया मूँह चाके सुरजीत पात्र ने लिखिया है पिंड विच जिहदे गड्डे चलदे हुक्म ते सरदारी शहर च जाके बन जांदे ने बस दी इक सवारी जिन्हां नूं जिमीदार जिन्हां नूं कहिंदे कौम दे लोक ने उहने बेइज्जतियां होंदियां बंद करांगे। बाबा जी मेरे को आए बहुत मैं तो अज तो नहीं मैं तो इन्होंने बहुत बहुत बार तक कनेडा एक बार वैनकूवर के मैं शो करता 2006-07 की गल है तो बाबा जी चीफ गैसट सी उस शो च वैनकूवर। सो बड़ा वड्डा नाम है एक वातावरण प्रेमी होने के नाते बाबा जी का सत्कार करते हैं बनाता इन्होंने पोल्यूशन बोर्ड का मैंबर रखे सी पर काम नहीं कर देंगे सी पेन नहीं चला सकता तू मैंबर है कहदा मैंबर है जो हम फौजी कली वर्दी पवा दे बंदूक ना देिए फौजी है। सो बाबा जी थोड़े पेन च नवी सही भरा पंजाब की पानी हवा मिट्टी बन जाओ तुम फैसले लो कोई सानू आइडिए दो लागू असी करा असी फिर दोबारे रंगला पंजाब बनाना है सानू कैलीफोर्निया लंडन पैरिस बनाने की लोड़ नहीं साडा तां पंजाब ही मोड़ दो जिहड़ा हैगा सी मुकदर चकदा पंजाब सी छिंजां च भुलदा पंजाब सी कबड्डियां खेडदा पंजाब सी पिप्पलां थले पींगां तीआं लगण वाला पंजाब सी भंगड़िआं वाला पंजाब सी फौज के जरनैलों का वास्ते मशहूर पंजाब सी हुण समैकियां का बलैकियां का टीकियां का पंजाब बना के रखता पहला पिंड मशहूर होंदे सी आ पिंड फलाने भलवान भी इतों का भलवान होया यह पिंड उतों का वह पिंड हुण पिंड कहदे वास्ते मशहूर ने इतों का भोला बलैकिया होया भाई समैकिया होया भाई साडे धारा नहीं बदल गई तो साडे पिंडां दे जिहड़े नाम ने वो इदां बैलियां दे नाम ते जां नशेड़ियां दे नाम ते हो साडे लई शर्म दी गल है। साडे कोले एक ऐसा खजाना पिया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक पंक्ति ते भी जे गौर करके अमल कर लिए तां वी जिंदगी सुधर सकदी है एक पंक्ति। सो वीरो भैन मामा मेरे दादी की उम्र दियाँ बैठिया ने साढ़े को पैसे है नहीं ना ही कमाने ने पैसे कमाने काम तो छी करते हैं तो मैं भी फिर टैलीविजन तो करोड़ों रुपये मैं भी कमा लेंदा मैनू की लोड़ सी सरकार ना मत्था लाने की मशहूर तो मैं भगवंत मान तो 17.5 साल की उम्र च बनाता सी हूँ भी मैं मुख्यमंत्री हाँ पर मुख्यमंत्री कल पंजाब का भगवंत मान तो सारी दुनिया का है। सो वीरो मेरी दादी एक छोटी जी कहानी सुना दी सी मैनू देखो मैं पहले भी कहा कि बैंकों के खाते वाले कट्टे नहीं होंगे मेरी दादी गल सुना सी श्री गुरु नानक देव जी महाराज उदासियां ते फिरदे सी लोगों सच का होका देंदे नाल भाई मरदाना सी किसी पिंड की जूह ते बैठे सी बाबा जी बाणी उचर रहे सी भाई मरदाना जी रवाना बजा रहे पिंड के लोगों को पता लग गया कि अपने पिंड की जूह ते एक बहुत बड़ा फकीर आ गया एक रब का बंदा आ गया सीधी लिव रब न लगी हुई है किस्मत बदल दू जे आप सत्संग कर लीए लोग चले गए। बाबा जी ने पूछा गुरु साहब ने
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪੰਧੀ ਹਾਂ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ। ਤੁਰੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਚਾਂਦੀ ਪਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਚੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਾਫਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਧਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਔਖੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਆਉਣ ਜੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਗਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਚਲ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਬੰਦੇ ਹੀ 10 ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਸਤੇ ਔਖੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗਏ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 10 ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੱਕ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲੋਕ। ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ। MLA ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ। ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ। ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਦੂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਭਾਰ ਢੋਣ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਤਝੜ ਆਈ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਐਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪਹਿਣਗੇ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆਊਗੀ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅੱਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੁਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਮਗਰ ਖਿਆਲ ਇਤਨਾ ਰਹੇ ਕਫਨ ਪੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਣ ਦਿੰਦੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਭੂਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਜੂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਜੂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕੋ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਐਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂ ਰਹਾਂਗੇ ਦੋ ਸ਼ੌਹਰ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਖੱਟ 'ਚ ਰੇਤੇ ਦੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਂਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਊਂਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਚੌਂਤੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਲੋਕੋਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।